अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा ब्रांड न्यू आर्ट मरले पर मुश्तमिल कॉर्नर का बहुत ही खूबसूरत घर। या आप घर की बाहर की लोकेशन देख रहे हैं, ये घर मेन बुलेवार्ड पे है और इसके सामने छोटा सा पार्क भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकॉन लाजमी दबाइएगा। ये इसका गैराज है और गैराज में आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन बना हुआ है। गैराज में तकरीबन 2 से 3 गाड़ियाँ बिल्कुल आसानी से खड़ी हो सकती हैं और आप हज़रात से गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके सामने वीडियो में सारी डिटेल्स आ सकें। ये गैराज में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे ड्राइंग रूम, सामने टीवी लाउंज और लॉबी में जाने के लिए रास्ता है और इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं गैराज में। उसके बाद चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में, बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम। ये इस साइड पे वेंटिलेशन और सामने दीवार पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और इसी तरह से राइट हैंड पे टीवी लॉन्ज में जाने के लिए रास्ता है। ये नीचे टाइल्स आप देख सकते हैं और सामने वेंटिलेशन पर्दा बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। इसके साथ ही आपको सीलिंग डिज़ाइन दिखा रहे हैं ड्राइंग रूम में और ये दीवार पे खूबसूरत डिज़ाइन। दूसरे दरवाजे से चलते हैं लॉबी में, लॉबी में आप देख सकते हैं इस साइड पे पाउडर रूम है, इसी तरह से ऊपर जाने के लिए रास्ता है और ये सामने बिल्कुल टीवी लाउंज में जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से आप ऊपर वाले पोर्शन को बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। चलते हैं अंदर टीवी लाउंज में। ये इस साइड पे ड्राइंग रूम के लिए रास्ता और इसी तरह से एलईडी पॉइंट सामने दीवार पे माशाल्लाह। उसके साथ ही एक बेडरूम और बिल्कुल उसके साथ ही दूसरा बेडरूम और दूसरे बेडरूम के साथ ही ओपन किचन। ये नीचे टाइल्स आप देख सकते हैं, सामने एलईडी पॉइंट है, इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिज़ाइन फानूस के साथ। इसके बाद आपको लिए चलते हैं नीचे वाले किचन में, बहुत ही खूबसूरत ओपन किचन है। वुडवर्क का काम आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है और स्पेसेबल किचन है। इसके साथ ही आपको बताते चलें इस घर में टोटल 5 बेडरूम है, 2 बेडरूम नीचे वाले पोर्शन में है और 3 बेडरूम ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं और इसी तरह से किचन नीचे भी है ऊपर भी है। ये नीचे वाले किचन में ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं और इसी तरह से नीचे आप टाइल्स देख सकते हैं। इसके बाद आपको लिए चलते हैं नीचे वाले बेडरूम में। बेडरूम में ये दरवाजे के साथ ही अलमारी, सामने दीवार पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और इसी तरह से उसके साथ ही अटैच वॉशरूम और वॉशरूम के साथ ही वेंटिलेशन इस बेडरूम की। नीचे टाइल्स और सामने अलमारी बहुत ही खूबसूरत, इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप इस बेडरूम की देख रहे हैं। इसके बाद आपको लिए चलते हैं इसके वॉशरूम में, बेहतरीन खूबसूरत वॉशरूम और स्पेसेबल वॉशरूम है। आपको लिए चलते हैं दूसरे बेडरूम में, बेहतरीन बड़ा बेडरूम है ये भी, सामने वेंटिलेशन और उसके साथ ही सामने बिल्कुल अटैच वॉशरूम इस बेडरूम का। नीचे टाइल्स आप देख सकते हैं, इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप इस बेडरूम की देख सकते हैं। लिए चलते हैं आपको इस बेडरूम के वॉशरूम में, बेहतरीन खूबसूरत बड़ा वॉशरूम है और ये सामने बिल्कुल इस साइड पे
नहाने के लिए जगह सेपरेट हो जाती है। और इस बेडरूम की जो अलमारी है वो वॉशरूम में बनी हुई है और ये सामने आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको लिए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, जहां पर मैंने आपको बताया कि तीन बेडरूम, टेरेस और किचन आ जाता है। ऊपर वाले पोर्शन के हम लॉबी में है, ये मैं आपको ऊपर से भी सीढ़ियां दिखा रहा हूं। और इसी तरह से ये एक बेडरूम बाहर आ जाता है, उसके साथ ही टेरेस के लिए बाहर रास्ता बन जाता है। और ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। और ये लॉबी में भी आप ऊपर देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन। इसी तरह से आपको बाहर लिए चलते हैं टेरेस में, यहाँ से आप फुल इंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम और सुबह के टाइम, बहुत ही एक खुशगवार माहौल बन जाता है घर में। इसके बाद आपको लिए चलते हैं फ्रंट वाले बेडरूम में, एक बेडरूम फ्रंट पे है और दो बैक पे। इसमें भी अलमारी, उसके साथ ये अटैच वॉशरूम और सामने दीवार पे वॉलपेपर का काम और इस साइड पे वेंटिलेशन। बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है ये भी, सामने बिल्कुल अलमारी और वॉशरूम आप देख रहे हैं। और उसके साथ ही आपको मैं इस घर की लोकेशन बताता चलूँ, सेक्टर सी बहरिया टाउन लाहौर इस घर की लोकेशन है। सेक्टर सी बहरिया टाउन लाहौर इस घर की लोकेशन है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप रابطہ करके या व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स शेयर करके आप इस घर का विज़िट कर सकते हैं, अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं। ये इस बेडरूम का आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ, बेहतरीन बड़ा वॉशरूम है ये भी। इसके बाद आपको लिए चलते हैं दूसरे दरवाजे से टीवी लॉन्ज में, ये इस साइड पर LED पॉइंट है। सामने एक बेडरूम, उसके साथ ये दूसरा बेडरूम और दूसरे बेडरूम के बिल्कुल साथ ही अटैच किचन, ओपन किचन है। ये ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप टीवी लॉन्ज में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, फानूस लगा हुआ है। ऊपर वाले पोर्शन का आपको किचन दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं बेहतरीन बड़ा किचन है ये भी। और इसी तरह से वुडवर्क का काम यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है। स्पेसेबल किचन है, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन घर बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक आप देख रहे हैं, हर हवाले से बहुत ही इसमें आला काम हुआ है। ये ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं किचन में, इसी तरह से नीचे टाइल्स भी आप किचन में देख सकते हैं। के बाद चलते हैं ऊपर बैक वाले बेडरूम में, बेहतरीन बड़ा बेडरूम है ये भी। इसमें आप सामने देख सकते हैं अलमारी और बिल्कुल सामने दीवार में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, इस साइड पे वेंटिलेशन और बिल्कुल इस साइड पे इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम और सामने अलमारी, नीचे टाइल्स का काम आप इस बेडरूम में देख सकते हैं। और इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप इस बेडरूम में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। इस बेडरूम का आपको वॉशरूम दिखा देते हैं, ये भी बेहतरीन खूबसूरत बड़ा वॉशरूम है। इसके बाद आपको लिए चलते हैं दूसरे वाले बेडरूम में, ये भी बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है। सामने वेंटिलेशन और के साथ ही अटैच वॉशरूम और इस साइड पे इस बेडरूम की अलमारी। और उसके साथ ही आपको इस घर की प्राइस भी बताता चलूँ, इस घर की जो डिमांड है वो 2 करोड़ है। 2 करोड़ रुपये इस घर की डिमांड है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप रابطہ करके अपनी ऑफ़र दे सकते हैं। आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ ही अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन हजरात के पास अपने घर नहीं है, अल्लाह ताला रिस्के हलाल से उन्हें अपने घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।